हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों? वेलकम टू द क्लास। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेटे आपकी एल्किन की चल रही हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए, मेनली जितनी भी रिएक्शंस हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हैं बेटे एल्किन में, चाहे आपका एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है, ट्वेल्थ में आएगा। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटे इस बात पर कि आप ये ना समझें कि जो ऑर्गेनिक चल रही है ये आपकी 11th क्लास की ही है। हाइड्रोकार्बन में 90% रिएक्शंस बेटे आपके 12th की सिलेबस की ही हैं, जो मेंशन है 12th की रिएक्शन से ही, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड किया था आपने बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लास्ट दो लेक्चर में कर चुके हैं बेटे बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन सारी की सारी आपकी 12th में आएंगे, ठीक है। तो बेटा जितनी भी रिएक्शन हैं हाइड्रोकार्बन की अच्छी तरह कीजिए, ओके। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे बेटे, एंड दैट इज योर एडिशन ऑफ एल्केन। दैट इज एल्कीन में आपको बेटे एल्केन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एस्टोसफोर। जब भी आप एल्केन पार्ट को जोड़ते हो या सब्स्टिट्यूशन करते हो, या तो कोई बेटा सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी ग्रुप हटाया उसकी जगह में ले आया एल्काइल ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन बोलते हैं, या ऐड करना उसको भी क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन ही बोलते हैं। क्लियर हुआ है? चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म, यदि आप इस रिएक्शंस के लिए देखें बेटे, अंडरस्टूड है कि ये रिएक्शन आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम यूज कर रहे हैं, तो एसिड क्या देगा बेटे आपको, एच पॉजिटिव देगा। ऑब्वियसली फॉलो मार्कोव एंड कॉफ रूल, एच पॉजिटिव कहां जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो CH3, दिस इज योर CH3, यहां बेटे H, और यहां चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर हुआ है? ये आपका बना कार्बोकैटायन, एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन ऑब्वियसली, इससे ज्यादा तो स्टेबल कहां जाएगा ये, क्लियर है ना। अब ये नए मॉलिक्यूल पर जुड़ेगा, नया मॉलिक्यूल मेरे पास ये है बेटे एल्कीन का, ठीक है। प्लस अगेन आपको क्या फॉलो करना है, मार्कोव एंड कॉफ रूल फॉलो करना है, दोबारा फिर वही यूज करना है। कैसा स्पीसीज है, पॉजिटिव, कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहां भी कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोव एंड कॉफ रूल, ओके। तो CH3 ध्यान से देखिए बेटा, ये पॉजिटिव पार्ट यहां जाके जुड़ेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये पार्ट मैंने इसका लिखा है भी, ठीक है, बोलो। अब दिस CH3 और यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है? अब मेरे पास क्या है बेटा, एल्केन पार्ट है। अब ये क्या करेगा, इस एल्केन से ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, छीन लेगा इसको, ठीक है, और एज ए हाइड्राइड। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, CH3, यहां पर क्या आ गया, HCH2, CH3। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, CH3। चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया चार्ज पॉजिटिव, आपने क्या हटाया था, H नेगेटिव, इसलिए चार्ज पॉजिटिव। क्लियर हुआ? ये रिएक्शन आपकी बस आसान है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये नए मॉलिक्यूल पर फिर अटैक करेगा, और कोई एल्कीन मॉलिक्यूल भी होगा उस पर अटैक करता जाएगा, रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन बेटे, एडिशन ऑफ एल्केन, दैट इज एल्काइलेशन रिएक्शन, बढ़े आके। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा एडिशन ऑफ एल्कीन, बिल्कुल इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट रिएक्शन आपकी यही है, ठीक है, ये कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है।
यहां पर जो प्रोडक्ट होगा बेटे, पहली बात ये मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द सेम टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल को यदि मैं जोड़ूंगा बेटे वो डाइमराइजेशन भी हो सकती है। दो सेम लेकर मैंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया तो क्या बोलोगे उसको? डाइमराइजेशन बोलोगे, ठीक है ना। अभी जो आप ये प्रोडक्ट बनाए थे कॉमन नेम पता है? आईपीएससी यदि नेम करना हो तो यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 2 3 4, यानी 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कॉमन नेम है बेटे, इसका आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटे वो क्या बनता है? वही टू मॉलिक्यूल्स लेंगे H2SO4 एंड प्रोडक्ट इज CH2C CH3 CH2 CH3 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 प्लस CH3। दो प्रोडक्ट हैं बच्चों, मैं दोनों बताऊंगा बेटे आपको कौन कौन से हैं या क्यों और कैसे क्या तरीका फॉलो हमने किया इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये हमारा डाइमराइजेशन है बेटे सर। फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप सेम, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था, अपना काम चलेगा दोनों स्टेप से, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब यहां मैंने एल्केन नहीं लिया था, एल्केन तो लिया ही नहीं, तो ये हाइड्राइड यहां पर नहीं आएगा। आप बोलो मेरी बात समझ रहे हो ना? वहां तो क्या था? हाइड्राइड आ चुका था, इसलिए हमारा प्रोडक्ट आइसोक्टेन बन गया था। अब क्या ध्यान देना बच्चों, देखो ना एल्कीन बना रहे हो, डबल बॉन्ड डबल, यदि ये हाइड्रोन हटा तो डबल बॉन्ड इधर, तो प्रोडक्ट ए, यानी इस हाइड्रोन के हटने से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कोई डाउट है किसी को? बाकी देखो सारा वैसे लिखा हमने बेटा। यदि मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इससे मैंने प्रोडक्ट लिखा बी। क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, यदि मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी देखता हूं, मेजर और माइनर यदि मुझे चेक करना हो तो इस एल्कीन में कितने हैं अल्फा कार्बन? बोलो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 3 और 2 5, देर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है। यहां पर कितने बेटे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब एक अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो कोई ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी फर्क नहीं पड़ता, ध्यान है। तो स्टेबिलिटी भी लगभग हमने क्या बताई थी? सेम सी रहती है। आ रहा ध्यान? नहीं आ रहा? अब हम किस बेस पे कहें कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? यदि हम प्योरली अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं बेटा तो ये होना चाहिए था मेजर और ये माइनर होना चाहिए था, पर बेटा ये ए प्रोडक्ट ही मेजर है, हालांकि हाइड्रोजन कम है पर फिर भी ये मेजर है। रीजन क्या निकाल रहे हो आप यहां से? एच पॉजिटिव। ध्यान से समझना, यहां इसके साथ देखो कितना बड़ा टर्शरी एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई, डिक्रीज एसिडिक करैक्टर। ध्यान आया? प्लस आई इफेक्ट बेटे हमेशा एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करता है और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करता है। यहां पर देखो इसके साथ इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, यहां तो देखो इसके साथ बिल्कुल CH3 CH3 CH3, तो बेटा ये एच पॉजिटिव जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, ये जल्दी बाहर निकलेगा तो ये मेजर और वो माइनर। बताओ दोनों रिएक्शन आगे समझ में? बड़े आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटे, इंसर्जन ऑफ कार्बिन बोल लीजिए या एडिशन ऑफ कार्बिन बोल लीजिए। एडिशन ऑफ
कार्बीन, कार्बीन डिटेल से पढ़ चुके हो, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, एग्जाम्पल ध्यान है CH2 दिस कार्बीन, CCl2 दिस कार्बीन, आ रहा है ध्यान? यहां पर जो एडिशन होगा बेटे वो सिंगलेट कार्बिन का होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एंड इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट एडिशन रिएक्शन है, जैसे मैंने ये लिया प्लस CH2, ठीक है? अब देखो ये किसका काम कर रहा है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान देना, कहीं लोन पेर दिख जाए आपको और उसको बोल दो न्यूक्लियोफाइल। कार्बन का ऑक्टेट अनकंप्लीट है, नहीं आया समझ में? देखो कितने हैं इसके ऑक्टेट में, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, न कि न्यूक्लियोफाइल का। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं। पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, ऑब्वियसली ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, फिर अब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। यदि इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, मैं एक बार समझाऊं आपको, यदि इसको ऐसे समझना बेटे, ये लो डबल बॉन्ड था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए यहां पर, स्टेप वाइज समझा रहा हूं उसको, यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब बोलो क्लियर हुआ इतना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, तो क्या बन गया, आया क्या समझ में? बोलो तो क्या है बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, कैसा बनाएगा, साइक्लिक कंपाउंड, बोलो, और हमेशा सेम फेस पर जुड़ेगा, ऑब्वियसली सीधा यूं ही तो जुड़ेगा, ये CH2 जोड़ना है आपको, तो क्या जुड़ेगा, सेम फेस पर, बोलो बड़े आगे। अब ये ध्यान रखना है आपको, एल्कीन की सॉरी कार्बीन की मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, फॉर्मेशन भी की थी मैंने, CH2N2 CH2CO को हीट कर दीजिए, आपका कार्बीन बन रहा था वहां पर, ठीक है? चलो जैसे रिएक्शन है आपकी CH3CH3H प्लस CH2N2। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि जो कॉन्फ़िगरेशन एल्कीन की है वही आपकी प्रोडक्ट में रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। यदि ये सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा, सिस ही रहेगा, CH3CH3, क्लियर? हीट करेंगे N2 बाहर चली जाएगी गैस, पहले इससे क्या बनेगा, बोलो इससे क्या बनेगा, पहले कार्बीन कर चुके हो बेटे, नाइट्रीन कार्बीन का जो लेक्चर देखोगे उसमें मैंने आपको प्रिपरेशन भी समझाई थी, 3-4 मेथड्स मैंने आपको प्रिपरेशन कराए थे, उनमें से एक ये था बेटे। हीट करेंगे क्या मिलेगा, CH2, फिर ये CH2 किससे जुड़ जाएगा, एल्कीन के साथ, बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मेन पॉइंट मैंने क्या बताया है, कॉन्फिगुरेशन किसकी बेटे, ऑफ एल्कीन इन प्रोडक्ट रिमेन सेम। यदि वो सिस थी पहले, बाद में भी सिस रहेगी, पहले ट्रांस थी तब भी ट्रांस ही रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हुआ है? आप यहां पर सिस की जगह ट्रांस लोगे तो CH3 यहां है तो यहां आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट के अंदर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चले आगे। ओके ओके, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ बेटे, CH3 CH double bond CH3 plus
CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है बेटे, KOH है या बेटे टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी आप ले सकते हो बेस को, देखो क्या लग रहा है आपको, CHCl3 पहले इससे क्या बनेगा कार्बिन, फिर वो कार्बिन इसे जुड़ेगा और कैसे बनेगा बेटे देखो, ClClClH बेस आया, क्या छीन लिया उसने यहां से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर माइनस Cl नेगेटिव, किसका एग्जांपल है ये, वन वन एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, या क्या कह सकते हो वन वन एलिमिनेशन, क्या बना बेटे इससे डाई क्लोरो कार्बिन, फिर ये इससे जुड़ेगा, प्रोटीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CCl CH3 CH3 H H, दैट इज योर प्रोडक्ट, बोलो क्लियर है, बढ़िया तरह समझ में आ गया हा? और देखो क्वेश्चन, जैसे बेटा यदि हम एडिशन करते हैं, करो साफ इसको, बोलो मान लीजिए बेटे क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक दिस वन, यदि आप यहां पर जोड़ते हैं CCl2 को और एक बार हम जोड़ें यदि CBrCl को, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट पहले ही देखते हैं, बिल्कुल आसान है, ये किया बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़कर यहां क्या लगा दिया Cl बस, बोलो इसमें क्या करोगे सेम सी एक सीएल और बी आर, बताओ सिंपल है प्रोडक्ट, मिजो कंपाउंड, यू कैन सी हेयर दिस इज अ मिजो कंपाउंड, क्यों है मिजो कंपाउंड बोलो, प्लेनर सिमेट्री है बेटा, देख सकते हैं, ये आपका पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ध्यान दीजिए नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, देख सकते हैं, देखो ये तो फिर भी क्या है, यदि मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा बेटा तो क्या यही नहीं बनेगा, तो क्या इस पर एग्जैक्टली फिट नहीं हो गया, तो क्या लिखोगे, पहली बात तो ये ऑप्टिकली इन एक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या आ गया मिजो कंपाउंड POS इसके अंदर, अब इसकी यदि आप मिरर इमेज बनाओगे तो यहां Cl आएगा और यहां Br आएगा, क्या ये सुपर इंपोजेबल है, दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल, एसिमेट्रिक हुआ तो एनेंशियोमर हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, कर पाएंगे इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो, हाँ श्योर चले, तो ये था बेटा आपका इंसर्जन ऑफ कार्बिन, ओके ठीक, बल्कि एक ना और रिएक्शन दे रखी थी इसकी, मैं आपको वो भी बता देता हूं बेटा, चलो ये थी बेटा, यस सिमोन्स स्मिथ रिएक्शन, ये है बेटा रिएक्शंस ऑफ डाई आइडोमिथेन CH2I2 की जिंक कॉपर कपल के साथ, यहां पर बेटे मेन क्या है, ये क्या कहते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन होती है ना वो कार्बन के थ्रू नहीं होती, वो कार्बिनॉइड के थ्रू होती है, कार्बिनॉइड ठीक है, CH3 CH CH2 ये आया, ये जुड़ेगा इसके साथ CH2 ZnI, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट जो कार्बिन का था वही बनना है, ये ध्यान देना, क्लियर है, क्या करोगी बॉन्ड तोड़ेंगे यहां पर CH2 That is your product. And ZnI2 out. क्लियर हुआ बेटे? Yes. समझ में आ गए? Yes. ठीक चलिए, तो एडिशन ऑफ कार्बिन खत्म हुआ, नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे आपकी
फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस। प्लस CS2 डबल बॉन्ड CS2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये रिएक्शन है बेटा, देखते हैं कैसे बनेगी। आसान है बिल्कुल। देखो AlCl3 क्या है, इट इज अ लेविस एसिड। आप ध्यान से देखें, यदि मैं यहां पर इस क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्लोरीन पर डेल नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ये पहले रिएक्शन करता है बेटे इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेयर। क्यों? इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ये जो सीएल नेगेटिव है बेटा, ये यहां इस एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा। क्यों? एल्यूमिनियम जो ट्राइक्लोराइड है, इट विल एक्ट एज ए लेविस एसिड। एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो क्या है, अनकंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बेटे जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिए, यहां से मुझे क्या मिल गया, ये लो, बोलो। अब ये किस पर अटैक कर देगा, एल्कीन पर। ध्यान से सुनना एक बार मेरी बात, आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देंगे, क्या हुआ, CH3 CH3 CH3। ये तो मैंने लिखा इसको, फिर ये एल्कीन वाला पार्ट ले लिया और इस पर चार्ज पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका था, AlCl4 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर है, क्लोरीन पर नहीं, इस चीज का ध्यान देना। ये मैंने वैसे लिखा बेटे, ये लो, ठीक। क्योंकि एल्यूमिनियम की आउटर कॉन्फिगरेशन क्या होती है बेटे, 3s2 3p1। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो ये था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये, तीन है इसके आउटर मोस्ट में, तीन होते, तीन यहां पर है। यदि सीएल नेगेटिव आ गया तो ये आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आ गया इसके पास, तो चार्ज क्या रखोगे, नेगेटिव। बोलो, क्लियर। अब यहां से वापस ये सीएल वहां चला जाए जहां पर चार्ज पॉजिटिव है, AlCl4 नेगेटिव। या बढ़िया तरीके से यदि आप इसको लिखना चाहें, ये ऐसे लिख लो बेटे कि अब ये सीएल नेगेटिव यहां अटैक कर देगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा और ये किस्म का नोट होगा दोबारा, फिर एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड में इसका काम खत्म, रिएक्शन का काम खत्म हो गया, वापस रिजनरेट हो जाएगा। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हो, कैटलिस्ट। क्या बोलते हो, कैटलिस्ट। देखो लिया था, यूज हुआ, यूज होने के बाद रिएक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म के बाद दोबारा निकल गया बाहर, तो सच स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। जो रिएक्शन में सिर्फ यूज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हम, प्रोडक्ट में वो कहीं नहीं दिखेगा आपको, पर उसकी हेल्प चाहिए हमें टू कंप्लीट रिएक्शन, दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। क्लियर हुआ? Yes, बढ़ो आगे। ऐसे ही बेटा एक रिएक्शन और है, इसको बोलते हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। डिटेल में बेंजीन में आएगी। क्यों एल्काइलेशन बोला, देखो एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। एक आती है फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, बिल्कुल सिंपल है वो भी, चलो मैं एक बार वो और दिखा देता हूं बेटे। फर्क सिर्फ क्या है, मैं यहीं पर कर देता हूं। यहां पर मान लिया मैंने R सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब वही ये सीएल नेगेटिव इधर, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, R सी डबल बॉन्ड और यहां चार्ज पॉजिटिव। बताओ कोई फर्क है? आप सी डबल बॉन्ड ओ आर और इससे क्या जुड़ जाएगा अब सीएल, नेट प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ
एच 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 एंड सील, नहीं आया समझ में? पहले में मैंने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, इसमें क्या ले रहे हैं, व्हाट इज दिस एसिड क्लोराइड आर सी ओ सी एल, ध्यान आ रहा है? डिटेल में आपकी रिएक्शन आपकी, खैर ये तो एल्किन शो करता है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर है बड़े आके? तो इन रिएक्शन में क्या कर रहे हो बेटे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट तो जोड़ा है यहां भी एक तरह से मैंने, एक कार्बन पर पॉजिटिव जोड़ दिया, दूसरे कार्बन पर नेगेटिव जोड़ दिया, किया क्या है? ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन आती है NOCl, तो एक कार्बन पर क्या लगा दो, NO लगा दो, एक पर Cl लगा दो, ये भी आते हैं बेटे नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है, या HNO3, ये भी रिएक्शन आती है, क्या करेंगे बॉन्ड तोड़ दो, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, तो क्या कर रहे हो यहां पर, एक पॉजिटिव पार्ट जोड़ रहे हो, दूसरा नेगेटिव, क्लियर हुआ? चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे आपकी डाइल्स एल्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है बेटे, पर इसका देखो क्वेश्चंस इस पार्ट से जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटे थोड़ा सा कम है पॉसिबिलिटी आने की, ठीक है, पर है बिल्कुल इजी, इनको आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, फोर प्लस टू पाई एडिशन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, देखिए यहां पर दो पार्ट हैं बेटा, एक है डाइईन, डाइईन का मतलब क्या हुआ, दो डबल बॉन्ड, एक है एल्कीन, देखना समझना ध्यान से, ये डाइईन हो गया, बोलो कार्बन 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 कार्बन, ब्यूटा वन थ्री डाइन, सिंपलेस्ट सीधी मैं लिखूं इसको, ब्यूटा वन थ्री डाइन, और ये ले ली मैंने एल्कीन बेटा, ओके बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में होगी या हाई टेम्परेचर चाहिएगा हमें इन रिएक्शंस के लिए, इनका दूसरा नाम बेटे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन दे आर कंसल्टेड रिएक्शन, एक ही स्टेप में होंगी, ठीक, दे आर कंसल्टेड रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगी, और ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, सिक्स मेंबर्ड रिंग है बेटे, कैसे देखो एक बात बताइए मुझे, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, डाइन या एल्कीन, इलेक्ट्रॉन रिच, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, डाइन के पास है, क्यों, दो पाई है इसमें एक पाई है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटे, इलेक्ट्रॉन रिच, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल काम कर देगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, अब कैसे समझना है देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आए, ठीक है, ये इधर आए, इसको ऐसे नहीं समझते देखो, वैसे मैं चलो कोई नहीं ऐसे करो, कर लो ऐसे, ए यू है बेटा, क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है, ये एरोज, बोलो एरोज समझ में आए, पहले ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना सीखिए बेटा, या मैं प्रोडक्ट बना दूं एक बार, क्या प्रोडक्ट ये नहीं बना, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, ये रहा, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बना, ये रहा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां आ गया, इधर ये पाई बॉन्ड टूट के यहां आ रहा है, और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, तो बेटा ये है आपका प्रोडक्ट, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी यहां पर, बिल्कुल मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी,
पहली बात, ट्रांजिशन स्टेट में जो नए बॉन्ड होते हैं वो हमेशा किसे दिखाते हैं? डैश से। ये दो नए बॉन्ड बने, बोलो। ये पाई बॉन्ड टूट गया था क्या? यस। ये भी पाई बॉन्ड टूट गया था? यस। ये नया बना है तो डैश से, ये टूटा है तो डैश से। सारा देखो बेटे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है सिक्स मेंबर, क्लियर हुआ? सारे मैंने डैश से दिखाई है। ये दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, यहां पर पाई बॉन्ड टूटा है, ये शिफ्ट हुआ है, ये नया बना है। अब देखो मैं एक बिल्कुल आसान तरीके समझाता हूं, ध्यान से समझना। पर चलिए बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। हां जी बेटे, ये इलेक्ट्रॉन गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो। इस कार्बन के चार बॉन्ड तो पहले से ही थे, कितने बन गए अब? पांच। पांच बनेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्या इतना समझ में आया? चलिए हां जी बेटा, इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा है, ये रहा, ये तो यहां चले गए। क्या इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव नहीं आ गया? Yes, क्यों आ गया? ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया मैं इसका। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये रहा। पर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, नहीं आया समझ में? पक्का? अच्छा बेटे, और यहां चार्ज है नेगेटिव। अब ये इधर आ गए, डबल सिंगल पॉजिटिव, समझने की कोशिश करो बस ऐसे, ठीक है। यदि ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट करता हूं तो इसका पॉजिटिव, बोलो, खत्म। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां चार्ज पॉजिटिव, नहीं आया समझ में? अब yes, तो वो बन गया प्रोडक्ट आपका, बोलो, क्लियर हुआ? yes, ये मैंने स्टेप वाइज समझा दिया, पर ऐसा होता नहीं है। ये नहीं करना बेटे कि एक बार ये बनेगा फिर वो बना फिर वो बना। बिल्कुल पैरेलल चलता है, इसने यहां टेक किया, ये यहां गए, तुरंत फटाफट एक ही स्टेप में सारा काम होता है। तो ये मैंने वैसे आपको ब्रेक करके समझाया कि बेटा आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बोलो, क्लियर हुआ है? yes, ये मैकेनिज्म नहीं है, आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है? तो क्या बोलोगे इसको? ये रिएक्शन कैसी है? कंसर्टेड रिएक्शन है। अब इसको आपने क्या बताया था बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इसके पास डेफिशिएंसी होगी, या यू कह लो कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल का ही तो काम कर रहा है। अब मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहला कि जो डाइन है, जो इसके डबल बॉन्ड है, ये हमेशा सिस साइड होने चाहिए, ट्रांस में नहीं होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, यदि ये ऐसे हो गए और आपसे पूछ लिया इसका प्रोट बनाओ, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, ट्रांस, कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन? इधर आएंगे? नो नो नो, बात समझ में आई? तो डाई इन के जो डबल बॉन्ड हैं हमेशा दोनों के दोनों सेम साइड में होने चाहिए। क्या इतना क्लियर है? पक्का? देख लो, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है बेटे, तो मैं और आपसे पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। यदि मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, बताओ। और यहां ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे तो स्पीड बढ़ जाएगी।
तो यहां ध्यान देना, इस पर मैं कैसा ग्रुप लगाऊं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इंक्रीज होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बोलो क्लियर है? ठीक है चलो, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है क्या ध्यान रखोगे यहां पर, थर्ड जो स्टीरियो केमिस्ट्री है बेटे ऑफ एल्कीन, यहां पर देखो बेटे एक ये लिखा मिलेगा डाइनोफाइल, डाइनोफाइल, फाइल मतलब अट्रैक्ट करना, डाइन मतलब डाइन जो लिखा था, जो डाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, कौन है वो यहां पर, एल्कीन, तो एल्कीन का नाम क्या है, डाइनोफाइल। बात समझ आगी, डाइन जो यहां लिखा था हमने, फाइल जो उसको अट्रैक्ट करे, कौन अट्रैक्ट करा था, एल्कीन, तो एल्कीन इज नेम्ड हेयर डाइनोफाइल। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल और एल्कीन ये आपकी सेम रहेगी कहां, प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होगी। जैसी सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिएक्टेंट में है वही आपकी प्रोडक्ट में रहेगी, बोलो। ठीक है, जैसे एग्जांपल यदि हम दें बेटा इसके, ये पूछ लिया जाए, बना लेंगे। यस सर। बोलो वही करना है क्या, ये इधर ये इधर ये इधर सिस थे तो दोनों की क्या रहेगी, सेम साइड, बोलो एंड आउट एंड इट विल बी ऑब्वियसली कैसा है, मीजो हैविंग व्हाट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलो आया क्या समझ में, पक्का? ठीक है, यदि यहां पर ये ट्रांस होता, ये अब ट्रांस के लिए मैं क्या कर दूं, ये कर दूं, अब ये बना, बात समझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ध्यान दे ध्यान से बेटे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है अभी, यहां पर एक सी ओ एच ऊपर है और एक सी एच नीचे चला गया, प्लेन में नहीं आएगा आपका, बोलो। तो एनेंशियोमर्स रेसिमिक मिक्सचर, दो फॉर्म बनेंगे इसकी, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, या यूं कह लीजिए पेयर ऑफ एनेंशियोमर, बोलो क्लियर है, पक्का? चले आगे। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे, दो में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, दोनों को आप जवाब देने एक बार कोशिश करना है, आसान बेटे बिल्कुल। देखिए हाँ, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, व्हाट आर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स क्या होंगे यहां पर, क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या ये प्रोडक्ट समझ में आया है? Yes, दो बार रिएक्शन होगी, कैसे, ठीक है? हां जी बेटा देखो, ऐसे ही मैं यहां लिख लूं एक बार इसको भी, Yes, बोलो, दो नहीं है, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, बोलो, Yes, ये बेटे इधर आया, ये यहां पर, ये यहां पर, देखो बन गया, क्लियर हुआ है? Yes। तो ये आपका बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, एक और देखता हूं बेटे मैं। हां जी, जो मेन आपको एक बात समझनी है, क्या क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये OCS3 प्लस
ठीक है, प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने, एक तो बना है ये प्लस, एक बना है ये। अब आपको समझना है ये कैसे बने हैं प्रोडक्ट। है बेटा सुनो ध्यान से, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है बेटे कि मैं इस कंपाउंड को, देखो ये रहा, मैं ऐसे लिख लेता हूं, क्या दिक्कत क्या है, है तो कंपाउंड तो वही है, यूं का यूं कंपाउंड को चेंज थोड़ा ही। यदि ये यहां जुड़ता है, ये यहां और ये यहां, तो बनाइए कंपाउंड, बोलो देख लो एक बार, नहीं आया समझ में। ये कह रहा कि मेजर, ये तो ऐसा होता है, वो रहा बेटे माइनर। अब तुम्हें लगेगा सर वो कैसे बना दिया आपने ये तो, ओके टेंशन मत लेना, इसको मैं ऐसे कर दूं। देखो एक बार अच्छी तरीके से समझ लो बेटा, इसको बना पाउट बनाओ एक बार इसका, यहां क्या लग गया ओ सी एस थ्री, यहां पर क्या आया सी ओ सी एस थ्री, बात तो वही है। हाँ जी बात तो वही है, ठीक है। तो कह रहा है बेटा ये तो प्रोडक्ट है, वो मेजर बन रहा है और वो प्रोडक्ट बन रहा है माइनर, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें बताओ बड़े आके करें शुरू। हाँ देखो बेटा हम मेजर को एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ओ सी एस थ्री, ठीक है ठीक है। हाँ जी तो इसने क्या काम किया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। और मैंने बताया था आपको यही कि डाइन पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेटे तो डेट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहां चार्ज नेगेटिव है। अब ये देखो बेटे कैसा ग्रुप है, क्या ऐसे नहीं होगा। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओ नेगेटिव और यहां चार्ज पॉजिटिव, बोलो। अब मुझे बताओ ये यहां इजिली टेक नहीं कर लेगा बजाय यहां करने के, बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज यहां है तो बेटे ये आपका, देखो यदि ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक जुड़ता है तो ये दोनों कहां जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, यह तो ये आपका क्या बेटे मेजर है और वो माइनर है, इस चीज का ध्यान रखें, बोलो। यानी डाइनोफाइल जो है वो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, उससे इस कार्बन का पहले बॉन्ड बनाओ किधर, इसका इधर, ये इधर और ये इधर, नहीं आया समझ में। क्योंकि इसी पर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, इसी पर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, बस ये करना है। एनी डाउट श्योर? तो बेटा ये थी आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। लास्ट रिएक्शन पर आ गए हम, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, डू नो व्हाट इज एलाइल कार्बन, ध्यान है बोलो। हाँ डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, उस कार्बन को एलाइल कार्बन बोला जाता है। क्लियर हुआ?
एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? अब मैं इस H को हटाकर कोई और कोई ग्रुप रख रहा हूं, बोलो क्लियर हुआ? तो इसको हमने क्या नाम दिया? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एलाइलिक जो हाइड्रोजन है उसको हटा दिया, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप ले आए हम, बताओ? ठीक है, अच्छा बेटे, मेन बात अब आपको समझने क्या है यहां पर, ये कार्बन sp3, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, मैं इसको एल्केन मान लू थोड़ी देर के लिए, इसी पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए एल्केन मान लेता हूं। एल्केन में कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी? इलेक्ट्रोफिलिक और कोई फ्री रेडिकल, माय डियर फ्री रेडिकल, क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है नियरली क्या नॉन पोलर है, ना यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, इट मींस ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है ना बोलो इलेक्ट्रोफिलिक, इट इज अ केस ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं आया समझ में ये? बोलो क्लियर हुआ क्या, क्यों बोला इसको हमने एल्केन? इसको बोल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको याद रखो बस, यूं समझ लो तुम्हें देख ही नहीं रहा है, अब जो बच गया वो एल्केन पार्ट दिख रहा है ना, और एल्केन में क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम दिया, ये क्लियर हो गया? बिकॉज एलाइलिक कार्बन पर हुई है, एलाइल हाइड्रोजन हटा है, इसलिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने तुम्हें एक बात और बता रखी है फ्री रेडिकल में, कि जहां पर वो CLBR, याद करो, जहां पर CLBR लग रहा था वहीं पर डॉट लगा दो। तो यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है? फ्री रेडिकल है। कौन सा फ्री रेडिकल? एलाइल फ्री रेडिकल। बोलो बेटे, नाउ दिस इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्लियर हुआ? ये एच नहीं हटेगा, ना ये एच हटेगा, ना ये एच हटेगा, मैंने तुम्हें बता रखा है बेटे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चों याद कर लो, लिख लो, हमेशा sp3 कार्बन पर होती है, sp2 कार्बन पर या sp कार्बन पर कतई नहीं होगी, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन एटम। क्लियर हुआ ये पॉइंट अब? तो मेन क्या क्या बेटे कि यहां रिएक्शन क्यों हुई, ये क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर चलिए पहली बात तो हमने क्या नाम दिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्लियर हो गया? कि एल्केन पार्ट है, sp3 पार्ट है, ये एच हटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जहां पर ये एच रेडिकल हटाओगे वहां पर ये इंटरमीडिएट बना और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इतना हमें समझ में आ गया कि यहां पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो कौन बनेगा, फ्री रेडिकल। कौन सा? एलाइल फ्री रेडिकल। ओके, रिएजेंट देख लो बेटा कौन कौन से लोगे, Cl2 एट 773 केल्विन, हाई टेम्परेचर पर होगी रिएक्शन, ध्यान रखना है। और एक है बेटे सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एक है बेटा एन ब्रोमो सक्सिनीमाइड, ये तीन रिएजेंट हैं बेटे आपके, क्या है इसको बोलते हैं शॉर्ट में NBS, क्या नाम देंगे, एन ब्रोमो सक्सिनीमाइड, शॉर्ट में याद रखो आप इसको, क्या NBS याद रखो आप। ये तीन रिएजेंट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे किसमें, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, ना तो कोई यहां पर रिएजेंट है। एक चीज समझ में आ गया आपको, क्या रिएक्शन कहां होगी, बोलो एलाइल कार्बन पर,
ये क्या देगा? क्लोरीन, एच हटाओ, एच हटाओ, बोलो, क्लोरीन, एच हटाओ, बी आर, बस खत्म। यानी पहले दो में तो प्रोडक्ट ये बना, इसमें भी और इसमें भी, तीसरे में बी आर, बस खत्म, आसान है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन करो उसके। यदि आपसे मैकेनिज्म ही पूछ लें, भाई मैकेनिज्म कैसे, वैसे वही है जो एल्केन में किया था आपने, चलिए लिखकर दिखाओ क्या मैकेनिज्म होगा। इनिशिएशन स्टेप और प्रोपगेशन वही है जो फेडिकल सब्ट्रैक्शन का था, शाबाश करके दिखाओ। सबसे पहले किसका डिसोसिएशन होगा? सीएल टू का, वही है बेटा, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे? सीएल टू डैट विल डिसोसिएट, क्या बनाएगा? दो सीएल रेडिकल। ये था आपका चेन इनिशिएशन, ध्यान आया? फिर सीएल रेडिकल ने मिथेन पे अटैक किया था, यहां ये इस पर अटैक कर देगा, देखो इधर ध्यान से, प्लस सीएल रेडिकल, ओके, एच सी एल जुड़ रहा था, क्या बन गया अब आपका ये रेडिकल बन गया ना यहां पर। अब ये किससे जुड़ेगा? क्लोरीन से, ये यहां बन गया प्रोडक्ट, ये रहे, बस बोलो कर लेंगे। ये चेन इनिशिएशन है, चेन प्रोपगेशन स्टेप, वही बट सेम मैकेनिज्म। अब प्रॉब्लम आएगी यदि जहां पर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज यदि मिल जाए मुझे, जैसे बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना कोशिश करके एक बार। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या था? एलाइलिक कार्बन था, वहीं पर ये रिएक्शन होनी थी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान देना, CH3 CH CL CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो और कोई प्रोट बन सकता है? यही करेंगे ना हम, हाँ बेटे, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक। यहां पे तो सीएल लग सकता है, बन गए ना दो, इससे ये बना, इससे ये बना, मेजर कौन सा है? सेकंड, ऊपर वाला है, नीचे वाला? नीचे वाला। प्रोट को मत देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट को देखो, स्टेबल किसका है? यहां पर ये कैसा रेडिकल है? सेकेंडरी। और ये प्राइमरी, अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास एक भी नहीं, तो हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल तो मेजर, लेस स्टेबल तो माइनर, बस बताओ। बढ़े आगे, ठीक है, चलो कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन। अच्छे जैसे ये दे दिया बेटा, हाँ जी, इसके पोर्ट सीधे बनाने आ जाए तो यहां पर दो है लाइलिक, एक ये रहा, ये भी तो लाइलिक का डबल बॉन्ड्स नेक्स्ट, डबल बॉन्ड्स नेक्स्ट, एक ये रहा, यहां भी एच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ओके तो देखो ध्यान से, एक तो मैं क्या करता हूं, ये रेडिकल बना लेता हूं, ठीक, प्लस बेटा एक इसको यहां लिख ले, ठीक है, ओके, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ,
ये डबल बोल्ड तो आ गया यहां पर और डॉट आ गया यहां पर, बताओ बेटे यहां तक कोई डाउट हो तो? ठीक है, इसका प्रोडक्ट यहां से ये लगा दो और इसका प्रोडक्ट यहां से ये लगा दो। पहली बात, इन दोनों में यदि देखें तो कौन ज्यादा बनेगा मेजर, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। दिस फ्रेडिकल इज व्हाट? टर्शियरी। दिस इज सेकेंडरी। तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, छह। मोर स्टेबल मेजर, लेस स्टेबल माइनर। और कोई बन रहा है? देखो यहां पर ये भी तो आ सकता है। अब ध्यान से देखो बेटे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं किया है, ध्यान से देखो। यहां पर भी तो आ सकता है ये रेडिकल, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है। फिर यदि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और डॉट आ गया इधर, नहीं आया समझ में? बोलो। तो अब सीएल यहां भी आ सकता है, अब सीएल, या देखो चार प्रोट बन गए बेटे, बने ध्यान से, कितने बने? चार। आपको मतलब है किससे? मेजर प्रोडक्ट से। मेजर इज योर दिस। एनी डाउट बेटा? नो सर। आ गया समझ में? yes, पक्का? yes, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दूं। आप पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना के देखना, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल आसान है। क्या करना है? जहां दो पॉसिबिलिटी हो ना, जहां पर दो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल आसान है। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां पर CH3 होता तो यहां तो रिएक्शन का मतलब ही नहीं था। yes, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं रिमूव, तब सिर्फ दो प्रोडक्ट यहां रिएक्शन होती, तब तो सिर्फ ये बनता ना। एक मिनट आ जाओ एक बार यहां पर, ये लो, तो ये मेजर बनता। yes, या ये मेजर बनता, सेकंड दिस वन, यहां CH3 लगाओगे बेटे। पर एक बात तो है बेटे, ना तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी कोई नहीं अल्फा हाइड्रोजन, जीरो कहां है? कहां है बेटे? देखो इस कार्बन पर है ही नहीं हाइड्रोजन, ये देख रहे हैं नहीं हमने, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो। पर ये जो ग्रुप लगा है, इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेडिकल। फ्रेडिकल कैसा ग्रुप है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और इसने ये प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देगा। बात समझ में आई ना? तो यहां सी लगाओगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से बन गया ना क्वेश्चन एक और? yes, क्लियर है? बोलो। yes, चलो अच्छा मैकेनिज्म कर सकते हैं, ये तो आसान है, यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, चाहे बी आर यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात तो एक ही है। yes, बोलो। yes, चलो मैकेनिज्म करो बेटे। अब यहां पर क्या होगा? देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले NBS है हमारा, सबसे मेन वही है बेटे, पहले कौन जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब ये फ्री रेडिकल यदि मैं इसी की बात करता हूं, इस पर अटैक कर देगा। yes, बताओ क्या बनेगा अब? HBr प्लस HBr, ठीक है बेटे। मेन क्या ध्यान देना है, इस रिएक्शन में जो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, देखो दोबारा ये एक बार, ये कार्बन है बेटे इधर, ये जो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है बेटे, ये सक्सिनिमाइड में चेंज होता है इसमें, कैसे होगा आ जाओ। अब क्या होगा यहां पर, ये है आपका, दोबारा लिखा मैंने एन
ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है, प्लस Br2 टूटा, यहां से भी Br2 टूटा, क्या निकल गया बाहर, Br2 और ये H यहां आकर जुड़ गया, देखो बन गया, ठीक है। वैसे रेयर ही पूछेंगे मैं तुमसे मैकेनिज्म, टेंशन मत लो। प्लस Br2, अब ये Br2 कहां जुड़ेगा, इसके साथ, ये और ये जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपका ये रहा। बोलो तो ये मैकेनिज्म करना चाहो तो बेटे आप सीधे फाइनल प्रोडक्ट याद रखो, मैकेनिज्म इसकी रहने दो, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे ये ध्यान देना आपको, बस कर लेंगे ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करने की कोशिश करना, इसकी रिएक्शन करवानी है NBS के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे करके देखो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके बेटे, आज का लेक्चर बेटे यहीं तक करेंगे हम, एडिशन रिएक्शंस अपनी एल्किन की बेटे यहां पर ओवर हुई, कल हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, अभी एल्किन की है, नई नई सारी रिएक्शन आपको याद है बेटे, कल एल्काइन की करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एल्कीन की रिएक्शंस कल के लेक्चर से पहले प्लीज याद कर लें, समझ लें उनको, यदि याद कर लोगे बेटे तो एल्काइन की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी एक ही लेक्चर में हो जाएंगी, बस ये फायदा रहेगा हमें, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक करेंगे बेटे, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू बेटे।